नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिंतन शिविर में पहुंचे खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध उत्खनन की खबरें रोज आती थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समिति गठन की है। समिति में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हैं। अवैध उत्खनन को करने वालों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। लगातार अवैध खनन की मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही CCTV कैमरे से होगी मॉनिटरिंग, GPS सिस्टम से भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हीं गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा जो रजिस्टर्ड होंगी। वहीं खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 1 महीने में शुरू हो जाएगी मॉनिटरिंग सिस्टम। वो वैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो कल कैबिनेट में बात आई थी और उसमें ये देखा गया है कि बहुत से जो हमारे बड़े बांध हैं, जो भी सरोवर हैं, उनको उसमें कहीं ना कहीं सिल्ट जम जाने के कारण जो भराव होना चाहिए पानी का, वो नहीं हो पाता है। इसलिए कल सिंचाई विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी ने अपना कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था और मैं ये मानता हूँ कि अच्छी योजना है, क्योंकि उससे सरकार को पैसा भी मिलने वाला है और हमारे सरोवर भी खाली होंगे, जो सिल्ट है उनकी भी साफ सफाई हो जाएगी। चेक पोस्ट अभी एक भी नहीं है, अभी चेक पोस्ट सिर्फ ठेकेदारों के हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई भी चेक पोस्ट किसी जिले में माइनिंग का नहीं है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। हम RDIF जो हम उसकी टैग की बात कर रहे हैं, CCTV कैमराज की बात कर रहे हैं, हम GPS सिस्टम की बात कर रहे हैं और हम उन्हीं गाड़ियों को अलाउ करेंगे जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड रहेंगी, जिसपे ये सब चीज़ें होंगी। इसलिए उन सब चीज़ों पे हमारा विचार चल रहा है, इसको हम कैसे, और हम दूसरे स्टेट को भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या इसको कंट्रोल करने के लिए बातें चल रही हैं। हम लोगों का अवैध उत्खनन को लेके बात हरदम आती थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है, उसमें माननीय नरोत्तम जी भी हैं, गोपाल भार्गव जी भी हैं और हमारे देवड़ा जी भी हैं, मैं हूँ और साथ में डंग जी भी हैं। ऐसी 4-5 लोगों की कमेटी है जिसकी कल एक सेकेंड बैठक हुई है और उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग तय कर रहे हैं कि हम इसको अवैध माइनिंग करने वालों को हम कैसे कंट्रोल कर पाएं। उसके लिए हमारा एक GPS सिस्टम भी है, RFID एक टैग है, उसको हम गाड़ी जो रजिस्टर्ड होंगी उनमें हम वो लगाएंगे, उनकी मॉनिटर हो। इसका एक सोच रहे हैं कि संभागीय स्तर या प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाएं, जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं, जो भी खदान पर जा रही है, जहाँ पर भी जा रही है, उसको मूवमेंट को हम कर सकें, उसको देख सकें। और हम चाह रहे हैं कि चेक बैरियर्स भी हमारे बनने चाहिए जहाँ से निकलता है, और हम उसमें ये भी हमने कल बात कही थी कि कोई यदि माइनिंग की गाड़ी है, क्योंकि हमें ये भी स्टडी करना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स में क्या बेस्ट पॉलिसीज हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको भी स्टडी करके हमें अगली मीटिंग में रखने के लिए बोला है। तो जो हम बेस्ट उसमें कर सकते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और कई तरह के कानून हमारे राजस्व में भी बने हुए हैं, अन्य डिपार्टमेंट के बने हैं, लेकिन हम इसको संकलित करके हम ये चाहते हैं कि एक कानून कोई भी अवैध चीज़ों को लेके हो, क्योंकि अलग अलग जगह जब कार्रवाई होती है तो वो कई जगह चीज़ें चली जाती हैं। इन सब चीज़ों पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अब उस यही सब चीज़ें जो बार बार आती थी, इसी के लिए ये कमेटी जो विचार कर रही है कि इसमें हम और बेस्ट क्या कर सकते हैं जिससे कि इन सब चीज़ों को, ये बार बार जो बातें उठती हैं, उससे रोक लगाई जा सके। इसलिए CM साहब ने गठित की है और हमें लग रहा है अगली मीटिंग तक उस सब चीज़ें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।